हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का यूके स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज एक गुजारिश है आपसे कि आप जो भी क्वेश्चंस देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ सेल्फ स्टडी नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ाई तो किसी भी बुक से कर लेते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवीजन की तो रिवीजन करने का दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा सेल्फ स्टडी नोट्स में ही मिलता है। और साथ ही दोस्तों, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देंगे और आज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों गुजारिश एक और है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं 9 जुलाई 2020 के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा श्रावणी मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, बी जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, सी हनोल मंदिर देहरादून, या फिर डी गोपीनाथ मंदिर चमोली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर में हर वर्ष श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला एक माह तक चलता है। 16 जुलाई से आयोजित होने वाला यह मेला इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण नहीं मनाया जाएगा। मेले के अवसर पर हर वर्ष जागेश्वर धाम में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कॉमन पीकॉक, बी गोल्डन बर्डविंग, सी मोनार्क, या फिर डी वॉइसरॉय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी गोल्डन बर्डविंग। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन बर्डविंग ये मादा प्रजाति की 194 मिलीमीटर पंख फैला वाले पक्षी है। ये इससे पहले के 190 मिलीमीटर पंखों के साथ दक्षिण बर्डविंग की तुलना में 4 मिलीमीटर बड़ा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई है और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रायडस ईएकस है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 1 से 7 जून, बी 1 से 7 जुलाई, सी 1 से 5 जून, या फिर डी 1 से 5 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी 1 से 7 जुलाई। जी हां दोस्तों, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। जी हां दोस्तों, के.एम. मुंशी जो कि भारतीय विद्या भवन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% वन है और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए भवाली नैनीताल, बी सोमेश्वर अल्मोड़ा, सी रामगढ़ नैनीताल, या फिर डी कौसानी बागेश्वर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी रामगढ़ नैनीताल। जी हाँ, रामगढ़ नैनीताल के टैगोर टॉप क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको साथ ही बताते चलें कि शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशीय बिजली की चेतावनी देने के लिए उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने कौन सा ऐप जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए दीक्षा ऐप, बी समाधान ऐप, सी दामिनी ऐप, या फिर डी सचेत ऐप। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी दामिनी ऐप। यहां हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो दीक्षा ऐप ये शिक्षकों और छात्रों के लिए जारी किया गया ऐप है। समाधान ऐप चुनाव आयोग SBI और MHRD से संबंधित है। यहां पर MHRD ने हाल ही में कोविड-19 से फाइटिंग के लिए इस ऐप को लॉन्च किया था। और जो चौथा ऑप्शन है सचेत ऐप,
ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया बैंक धोखाधड़ी रोकने हेतु ऐप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2030, बी 2035, सी 2040 या फिर डी 2036। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 2030। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दशकों से खाली पड़ी अपनी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। बात करें रेलवे जोन की, तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें 18वां और सबसे नया जोन है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है, उनका मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए निर्मला पांडे, बी निर्मला नागपाल, सी उर्मिला चौहान या फिर डी जारा खान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी निर्मला नागपाल। जी हाँ दोस्तों, सरोज खान का जो मूल नाम है वो निर्मला नागपाल है। इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, उसके बाद ये मुस्लिम हो गई थी और सरदार रोशन खान से शादी करने के बाद इनका सरनेम खान हो गया। हाल ही में 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। इन्होंने फिल्म देवदास, जब वी मेट और श्रीनगरम फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाया है और गुरु और देवदास सहित लगभग 8 फिल्मों के लिए इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने WHO से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी भारत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि 6 जुलाई 2021 के बाद वह WHO का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप सरकार का आरोप है कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। बात आई WHO की, तो साथियों बात करें, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या फिर डी कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अफगानिस्तान। बात आई अफगानिस्तान की, तो याद करते हुए चलते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की आधिकारिक भाषा पश्तो है और वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा, बी पटकाई बूम, सी जिम कॉर्बेट या फिर डी देहांग पटकाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी देहांग पटकाई। बात आई असम के राष्ट्रीय उद्यान की, तो बात करते हुए चलते हैं कि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है और भारत का सबसे पुराना पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि बुबोनिक प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका सही आंसर है बुबोनिक प्लेग येर्सिनिया पेस्टिस। येर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह पिस्सू के काटने से फैलता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1930, बी 1936, सी 1940 या फिर डी 1932। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।